प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री व बाल संरक्षण के आयोग डॉक्टर देवेंद्र शर्मा सुबह 11 बजे जिला अस्पताल में बने बच्चा वार्ड एनआरसी में पहुंचे, जहां उनके द्वारा भर्ती सभी 10 बच्चों का इलाज जानते हुए उनके तीमारदारों से किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है ये जानकारी प्राप्त की। इतना ही नहीं, बच्चों को भोजन के रूप में दिए गए आहार की जानकारी लेने के बाद राज्य मंत्री जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे और भर्ती मरीजों का हाल जानते हुए सभी तीमारदारों से अलग अलग वार्ता भी की। जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद राज्य मंत्री डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया, जिला अस्पताल में मरीजों का बेहतर इलाज किया जा रहा है। उनके द्वारा मरीजों के तीमारदारों से भी किसी भी परेशानी की जानकारी प्राप्त की गई, लेकिन सभी ने इलाज से पूरी तरह संतुष्टि जताई है। इस अवसर पर जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर हीरालाल, एडिशनल सीएमएस डॉक्टर राजेंद्र कुमार, डॉक्टर शेर सिंह कक्कड़, डॉक्टर राजेंद्र सैनी, पूर्व सीएमएस डॉक्टर शिव सिंह सहित जिला अस्पताल के चीफ फार्मासिस्ट मौजूद रहे। आज सुबह 11 बजे डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, अध्यक्ष बाल संरक्षण, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, वो जिला चिकित्सालय में आए। उन्होंने एनआरसी का निरीक्षण किया। एनआरसी में 10 बच्चे थे, सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी मिली और सभी मरीजों से बात भी उन्होंने की और सभी मरीजों ने चिकित्सालय की व्यवस्थाओं से संतुष्ट पाए गए। उसके बाद उन्होंने कहा इमरजेंसी देखेंगे। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड, सारी वार्ड का निरीक्षण किया, चिकित्सकों से वार्ता की और मरीजों से भी वार्ता की, जिसमें सभी मरीजों ने जिला चिकित्सालय की सभी सुविधाओं के लिए कहा कि सभी कुछ यहाँ खाना मिल रहा है, दवाएँ मिल रही हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। इन सभी सुविधाओं को से जो संतुष्ट नजर आए।